भाई असल बारे नहीं आ रहे तो यार इन लोगों के हैं, ज़रा व्यू चेक कीजिए। 1.1 मिलियन, 3.3 मिलियन, 51,000 व्यूज़, 35,000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़, 20,000 व्यूज़। यहाँ पर आप लोग चेक करते रहिए भाईजान, सब के सब लोगों ने कॉपी पेस्ट वर्क किया और सबकी वीडियो के ऊपर एड भी चल रहे हैं। 100% आपका जो चैनल है वो मोनिटाइज होगा। और इस तरह की जो वीडियो है कॉपी पेस्ट, आप लोग किस तरीके से बनाकर यूट्यूब के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं यही बताने वाला हूँ। बिलीव मी कि यार बहुत ही कमाल का टॉपिक है, हर एक बंदा ये काम कर सकता है, जो भी नया है, पुराना है, बिगनर है, एडवांस इंटरमीडिएट लेवल तक का, या तो फिर वो एडवांस लेवल का है, ये काम हर एक बंदा कर सकता है। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे, भाई जान हमें कोई ऐसा काम बताएं कि जो कि हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं। तो ये यहाँ दोस्तों, ये वाला काम आप लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद और मोबाइल फ़ोन के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को भी ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों को दो काम बताने वाले, एक कॉपी पेस्ट वर्क होगा और दूसरा वर्क, दूसरा जो काम होगा वो होगा 100% ओरिजिनल काम। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर आकर चेक करेंगे ना, सर्च करेंगे ग्रीन स्क्रीन पोइट्री, ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ जी ग्रीन स्क्रीन पोइट्री, तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिएगा कि इसके ऊपर कितने ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैंने सर्च किया ग्रीन स्क्रीन पोइट्री, तो आप लोगों को कितने ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर आप इनके व्यूज़ चेक करें तो इनके व्यूज़ मिलियन के अंदर, लाखों के अंदर व्यूज़ हैं। और हर एक तरह की व्यूअर आप लोगों की ये वाली वीडियो देखता है जो कि जस्ट पोइट्री सर्च करने आ रहा हो। भी आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने दोनों तरह की वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट वर्क किस तरीके से करना है, देन आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इस तरीके की वीडियो किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो मीम्स वाला करना है, तो आप लोगों ने मीम्स 5 सेकंड तक की ही वीडियो को डाउनलोड करना है, ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ इस वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना, वो आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर के एक वेबसाइट के थ्रू करना है, ठीक है ना। तो आप लोग जिस भी मीम का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो मीम आप लोगों ने यहाँ पर से डाउनलोड कर लेनी है। देन डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्च करना जी वीडियो बीजी रिमूव, तो सेकंड नंबर पर आप लोगों को एक वेबसाइट नज़र आएगी unscreen.com, तो आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना यहाँ पर से। और देन आप लोगों ने वो वाला वीडियो, वो वाला क्लिप आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देना है जो कि आप लोगों ने डाउनलोड किया था, जिसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये वाली अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर ली है, अब मैं इस वीडियो का अपनी का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मैं बैकग्राउंड जो है ना वो यहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड जो कि रूम का मेरा बैकग्राउंड था वो था, तो अब मैं इसका ग्रीन स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पर जब जैसे यहाँ पर 100% हो जाए तो देन आप लोगों ने यहाँ पर से क्या करना है, चेंज बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। देन जो सेकंड नंबर पर बटन है कलर का, यहाँ पर देखिए कलर इमेजेस वीडियो, ठीक है ना, तो आप लोग कलर पर सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन पर सेलेक्ट कर देना। और देन जैसे यहाँ पर ये 100% हो जाएगी तो आप लोगों ने इसको वन क्लिक करके आप लोगों ने डाउनलोड करके आप लोगों ने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देना, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो ये वाली वेबसाइट आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कॉपी पेस्ट वर्क करना है। अगर आप लोगों को ओरिजिनल काम करना है तो आपने क्या करना है, ग्रीन यहाँ पर सर्च करना है ग्रीन स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पर आपने ग्रीन स्क्रीन सर्च कर दी, या फिर आप लोग सर्च कीजिए ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपने कोई भी यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड जो है वो आप लोगों ने पिक्चर जो है वो अगर आप लोगों ने यहाँ पर से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये वाली पिक्चर जो है इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस पिक्चर को यहाँ पर से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड इमेज पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये वाली वीडियो डाउनलोड हो गई है। अब हम जो सारा का सारा जो काम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही करेंगे, तो आप लोगों ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी काइन मास्टर, इसी के अंदर ही हम सारा काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने काइन मास्टर को ओपन करना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो हॉरिजेंटल शेप के अंदर ही चला जाएगा, मतलब ठीक है ना, कि हॉरिजेंटल जब आपका प्रोडक्ट होगा, सॉरी आपका मोबाइल फ़ोन होगा, देन अच्छे तरीके से आपकी एडिटिंग हो जाएगी। 16:9 क्रिएट पर क्लिक कर देना आप लोगों ने, आप लोगों का मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली हॉरिजेंटल शेप के अंदर शो करना शुरू कर देगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर जाना, वो वाली आप लोगों ने ग्रीन स्क्रीन वाली पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है जो कि आप लोगों ने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। और देन आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर लेयर पर ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोगों ने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट आप उर्दू के अंदर भी लिख सकते हैं, जिस लैंग्वेज के अंदर लिखना है, हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर, वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जी, आप कुछ भी अपनी जो पोइट्री है वो आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करनी है। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, एक रैंडमली मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, जो जो मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आप लोगों ने यहाँ पर से इसको
ऐसे ड्रैग करके इधर ले आना और ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप वो लोग ओके पर क्लिक करोगे तो देन यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इस जगह पर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसका आप लोगों ने कलर वगैरह चेंज करना, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना, तो वो आप लोग यहाँ पर से कर सकते हो इस तरीके से, ठीक हो गया। जो आप लोग यहाँ पर से बोल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। देन अगर आप जैसे कलर चेंज करना तो कलर पर क्लिक करना, आप लोग यहाँ पर इसका कलर रेड ग्रीन ब्लू जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर इस तरीके से आप लोग इसका आउटलाइन वगैरह देना चाहते हैं तो वो आउटलाइन आप लोग यहाँ पर से दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग इसको ग्लो करवाना थोड़ा सा तो ग्लो वाला ऑप्शन भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसका बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप लोग इसी का बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड को अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद आप लोग ने अगर इसको थोड़ा सा एनिमेट करवाना है तो आप लोग इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर स्लाइड राइट पर क्लिक कर देना, कुछ इस तरीके का यहाँ पर आएगा आपका। अगर पॉपअप करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव सी आप लोग ने यहाँ पर से वीडियो बना लेनी है, ठीक है। स्लाइड शो वाला आ जाएगा, क्लॉक वाइज आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके के आप लोग यहाँ पर एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप वाला आ जाएगा, जो भी आप लोग ने यहाँ पर से अपना एनिमेशन लगाना आ जाता है वो लगा देना आप लोग ने। देन आप लोग ने ये वाली जो लेयर है इसको अपन होल्ड करके रखना है और यहाँ पर आपने इसको स्टार्ट के अंदर ले आना है, ठीक है। अभी आप लोग चेक कीजिए कि आप लोगों की जो वीडियो है तो क्योंकि 5 सेकंड की जो वीडियो आप लोगों की रेडी हो चुकी है, ठीक है। मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं इस तरीके से आपकी पोइट्री आएगी। देन आप लोग ने क्या करना है कि इसी को आप लोग ड्रैग करके आगे तक भी ले जा सकते हैं 10 सेकंड तक की वीडियो को, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एक और अगर लेयर लेकर आना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं, अदरवाइज आप इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। और देन आप लोग इसी को ड्रैग करके आगे तक ले जा सकते हैं अगर आप इसी को आगे लगाना है। देन आप एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये है कि आप लोगों ने लेयर के ऊपर क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक कर देना आप लोगों ने। यहाँ आप लोग कोई और वर्ड वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। देन ओके पर क्लिक कर देना आप लोगों ने। आप लोग यहाँ पर इस तरीके यहाँ पर चेक कीजिए कि ये नीचे वाली आपकी लेयर है, ठीक है ना। जैसे ही आपकी दूसरी लेयर खत्म हो तो ये वाली लेयर चलना स्टार्ट हो जाए। अब आप इस लेयर का फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ये सारा कुछ आप लोग यहाँ पर इस तरीके से चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसका कलर हो गया, कलर आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर ग्रीन करना चाहते हैं जो कलर भी आप लोगों ने करना है वो आप लोग यहाँ पर से कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो काम है वो यहाँ पर रह जाता है जी, आप लोगों ने इसको टैब आउटलाइन वगैरह देनी है तो वो आप लोग यहाँ पर इस तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वाइट कर दिया, ओके पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। अब अगर हम इसको थोड़े से वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आप लोग की वीडियो कुछ इस तरीके की नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, पहले यहाँ पर आप लोगों के किस तरीके का इंटरफेस आएगा और देन यहाँ पर आप लोगों को ये, अगर हम आप लोगों ने इसके अंदर अभी तक एनिमेशन वगैरह नहीं लगाया तो आप इसके अंदर एनिमेशन वगैरह भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ पर मैं इसको प्ले कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको ड्रैग करके अगर नीचे लेकर आना चाहते हैं तो नीचे भी लेकर आ सकते हैं आप लोग इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन के वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप लोगों ने कॉपीराइट वर्क करना है और किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर से दूसरा ओरिजिनल काम करना है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।